नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू आज मैं बात करूंगा राय स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में। दोस्तों, राय स्पोर्ट्स स्कूल की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म निकल गए हैं दोस्तों, और जो लास्ट डेट है वो है 30 अक्टूबर फॉर्म भरने की, और फाइन के साथ, यानी जो है जो आप लोग अगर आप लेट फीस के साथ भरना चाहते हैं तो 15 नवंबर तक आपको मौका मिलेगा, आपको चांस दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। फोर्थ क्लास से लेकर 11th क्लास तक एडमिशन होती है। तो आप समझते हैं जरा दोस्तों कि राय स्पोर्ट्स स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे जाइए www.career.infoviz.institute.in पे जाके आप अपनी वेबसाइट को, ये हमारी वेबसाइट है, आप इसको ओपन कीजिए। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे दोस्तों, आपको देखो इतनी सर्विसेस हम लोग देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। यहां से हम आपको फॉर्म करा, यहाँ पे जाके आप अपनी बेसिक डिटेल डालकर फॉर्म भर सकते हैं, सीट रजिस्टर करवा सकते हैं नवंबर दिसंबर के लिए, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको पूरा। और जो लास्ट पॉइंट है फोर्थ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं राय स्पोर्ट्स स्कूल के जो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर्स वगैरह हैं, मॉक टेस्ट वगैरह हैं उसकी, तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको अभी हटा देता हूँ और ये देखिए, मैं आपको पहले पूरी जानकारी दूंगा कि राय स्पोर्ट्स स्कूल पे ऊपर जाके आपने क्लिक कर दिया, ये जो है राय स्पोर्ट्स स्कूल आपका सोनीपत वाला, पूरी वेबसाइट इसकी ओपन हो गई है दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्कूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ आपको दोस्तों हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। बस ये है कि आपको जुड़े रहना है, हर रोज सवेरे 8 बजे नई वीडियो अपलोड होती है। कल भी मैंने राय स्पोर्ट्स स्कूल के ऊपर वीडियो डाली थी, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। तो देखिए, अगर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहते हैं या आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पे सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, मैं आपको एक और अच्छे से बता देता हूँ, इसको हम थोड़ा सा और स्क्रीन को बड़ा करते हैं ताकि आपको पढ़ने में, देखने में और समझने में और मजा आए और आप इस चीज को एंजॉय करो, है ना दोस्तों। अब ये देखो यहाँ पे पूरा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो फोर्थ क्लास के लिए, दोस्तों अच्छे से पढ़िए इसको, फोर्थ क्लास के लिए टोटल 100 सीट्स हैं, जिसमें 50 लड़के और 50 लड़कियों को 2019-20 यानी अगले साल के लिए एडमिशन मिलेगा। आवेदन पत्र आ चुके हैं और इसमें देखिए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी जो है, इसमें हर कैटेगरी वाइज यानी फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में, पांच पांच जो ये है, ये 5 सीट रिजर्व की गई है। ये दोस्तों उन बच्चों के लिए है जिनका जो परफॉर्मेंस है स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डाल सकते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है या वो अच्छा किसी अलग स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वो अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त 2 अलग अलग फॉर्म आएंगे, एक आएगा नॉर्मल फॉर्म और एक आएगा आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स प्लेयर फॉर्म। आउटस्टैंडिंग वाला वही भरेगा जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, जिसको लगता है कि उसके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है और जिसको लगता है कि वो उस कोटे में जो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको फुलफिल कर सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं देखिए एज क्राइटेरिया का। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेगा 1/7/2009 से 30/6/2011 के बीच में होना चाहिए। अगर कोई बच्चा फिफ्थ क्लास में एडमिशन लेता है तो 1/7/2008 से 30/6/2010 के बीच में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसे ही सिक्स क्लास में, सेवेंथ क्लास में, हर क्लास का पूरा पैरामीटर आपको अच्छे से दिया हुआ है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है देखिए जो दिए गए, पहला पॉइंट पढ़िए ध्यान से दोस्तों। जो पहला पॉइंट है, लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की वो कितनी है, 30 अक्टूबर, ध्यान से देखिए 30 अक्टूबर 2018। और अगर आप लेट फीस के साथ भरना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेशक भरिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज टाइमली फॉर्म भरिए। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 नवंबर तक आप लेट फीस के साथ भी भर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है कि एज, फादर नेम, मदर नेम, ये सब आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, उसमें मैच करना चाहिए। चौथा पॉइंट है जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे दोस्तों, ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ दोस्तों 1/10/2018 के बाद ही खिंचवाई हुई होनी चाहिए, यानी पुरानी फोटो नहीं चलेगी। और जो आप मेल आईडी देंगे, नंबर देंगे, पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, एड्रेस देंगे, ये सारा कुछ काम करते हुए होना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर आपका जो है वो आएगा, एडमिट कार्ड वगैरह आता है, मैसेज आता है,
तो कोई भी गलत जानकारी ना दे। उसके बाद एडमिट कार्ड जो होगा वो कलर्ड प्रिंट आउट ही कराना है। और जो लास्ट पॉइंट है कि एडमिट कार्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तभी एक्सेप्ट होगा जब आपने पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली जमा किया होगा। तो ये सारा और यही सारी चीजें देखिए दोस्तों हिंदी में भी दी गई है। तो अगर किसी को इंग्लिश में दिक्कत आती है, जो हमारे गांव से हैं हरियाणा में या जो भी लोग हैं जिनको अगर दिक्कत आती है, तो दोस्तों ये सारी सुविधाएं आपके लिए इस वेबसाइट पे है, कैरियर इंफोविज इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, और सब कुछ आपको दिया हुआ है। आप इसको आराम से पढ़िए, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और अगर कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 9729140 7087 9070 7070 8790 7020, इन एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर 9306989629 पर आप कॉल कीजिए। और नीचे वेबसाइट के ऊपर दोस्तों सारे नंबर दिए हुए हैं, ये देखिए पूरे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे सब दिया हुआ है दोस्तों। सिर्फ आपको जरूरत है तो ध्यान देने की, ध्यान से देखने की। आप इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए आप जैसे स्कूल की वेबसाइट पे अगर आप इसका प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो ये देखिए इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड होने लग गया है। आप इसको बड़ा कीजिए और इसको अच्छे से पूरा पढ़िए, आवेदन पत्र को, एप्लीकेशन फॉर्म को, ताकि आपसे कोई फॉर्म भरने में गलती ना हो। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट हमें कॉल कीजिए, आपको फालतू पंगा लेने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हम लोग पिछले 8-10 साल से कोचिंग इंडस्ट्री में है, फॉर्म भरना, बच्चों को तैयारी कराना, उनके लिए स्टडी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करना, कोचिंग देना, हर तरह की सुविधाएं हैं। तो दोस्तों ये एक सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है, हरियाणा में सोनीपत में है ये, देखिए इंटरनेशनल अवार्ड विनर है, सारा कुछ आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नंबर 1 रैंक बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है, देखिए विनर ऑफ ग्रीन स्कूल सर्टिफिकेट सब कुछ। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको मेन प्रोस्पेक्टस 19-20 का मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया है। ये आपके प्रिंसिपल का, डायरेक्टर का नंबर है, ऑफिस टाइमिंग दी हुई है, मंडे से फ्राइडे तक आप सवेरे 9 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, आप स्कूल में मिल के आ सकते हैं। कॉलेज की वेबसाइट और सॉरी स्कूल की जो वेबसाइट है वो दी हुई है आपको, मेल भी दिया हुआ है, सब कुछ। दोस्तों ये जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है ये 72 पेजों का है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। कल वाली जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो मैंने पूरी शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है 15 मिनट की, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जल्दी से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब ये देखिए चौथा पेज, पांचवा पेज, ये जो स्कूल है दोस्तों सोनीपत में, ये जो स्कूल है मैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, रेलवे स्टेशन से, ठीक है जी, रेलवे स्टेशन से, सोनीपत रेलवे स्टेशन 13 किलोमीटर की दूरी पे है, और जो दिल्ली का पालम एयरपोर्ट है उसके बिल्कुल नियर बाय है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब मैं बात करूंगा एडमिशन से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड क्या क्या मेन चीजें हैं तो मैं आपको वो बताऊंगा, स्टूडेंट से रिलेटेड कि बेसिकली यहाँ पे 4th क्लास के बच्चों को एडमिशन वगैरह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 4th क्लास से एडमिशन प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाता है, और 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th तक सारा कुछ चलता है। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो वो किसी भी केस में रिफंड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारा जो है स्कूल की गाइडलाइंस है। इसके अलावा देखिए ये सारा पॉइंट दिया हुआ है कि 5 कैंडिडेट जो है जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स प्लेयर में, उनको हम एडमिशन लेते हैं, और 100 बच्चे अप्रोक्सीमेटली 4th क्लास से एडमिशन स्टार्ट जाती है। यानी इस टाइम वो पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी 3rd क्लास में हैं, वो फटाफट, चाहे कोई लड़का है या लड़की है, फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म भरे दोस्तों। और 30 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर तक ये फाइन के साथ भरा जाएगा, ₹500 फाइन के साथ भरा जाएगा। तो ये देखिए 4th क्लास में जो बच्चा एडमिशन लेगा उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो एज है, वो 8 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो मेन मेन पॉइंट्स है, 80% सीट जो है वो हरियाणा वालों के लिए रिजर्व है, और 20% सीट जो है वो आउटसाइडर स्टेट्स के लिए है। और ये जो रूल है ये गवर्नमेंट का रूल है, तो इसमें स्कूल अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरे पेज को आप अच्छे से पढ़िए,
और राय स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में किसी भी जानकारी के लिए दोस्तों हमें कॉल कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको हेल्प आउट किया जाएगा। और आप ज्यादा से ज्यादा हमारे नंबर्स पे, वीडियो के नीचे हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बार 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 उस चीज को पढ़िए और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कॉल कीजिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल